संसद के मॉनसून सत्र का आज से आगाज हो रहा है। इस सत्र के काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है। यूपीए ललित मोदी व्यापम समेत कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं एनडीए ने साफ कर दिया है कि वो तमाम मुद्दों पर आक्रामक रुख अख्तियार करेगी। इस सत्र में सरकार विवादित भूमि अधिग्रहण बिल नहीं लाएगी, लेकिन जीएसटी बिल को हर हाल में पास कराने की कोशिश होगी। अहम बिल पास कराने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक करेंगी। मॉनसून सत्र के ठीक एक दिन पहले यानी सोमवार को भी बैठकों का दौर चला। दो दो सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ। पहली बैठक संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बुलाई थी। दूसरी बैठक लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुलाई। दोनों मीटिंग में कांग्रेस ने दो टूक कह दिया कि संसद सत्र चलाना है तो वसुंधरा से लेकर सुषमा तक के इस्तीफे पेश करो। सरकार ने इन मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है। शुरू शुरू में कांग्रेस ने कहा जब तक कुछ मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे वो सदन को चलाने में वो मदद नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहा। मगर बाद में 29 पॉलिटिकल पार्टीज ने एक स्वर में मेरे ख्याल से सबने कहा पार्लियामेंट ठीक तरह से चलना चाहिए, हर एक विषय के बारे में बहस होना चाहिए और पार्लियामेंट से पहले जो लोग ललित गेट में इन्वॉल्व हैं और जो व्यापन में इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए, उनसे इस्तीफे लेने चाहिए। कल 7 RCR में भी सियासी सरगर्मी दिखी। सत्र को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर पहले ही बीजेपी के अहम बैठक हुई। उसमें लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, अमित शाह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। जैसे ही बैठक खत्म हुई एनडीए की बैठक शुरू हो गई। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद एनडीए की ये पहली बैठक थी। एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक में लालकृष्ण आडवाणी मौजूद नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक सभी सहयोगी पार्टियों ने ललित मोदी केस और व्यापम के मामले में बीजेपी के रुख का समर्थन किया। विवादों के बीच शिवसेना ने कहा कि हम हर मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हैं, महामुकाबले के लिए तैयार हैं। कल से जो सत्र शुरू होता है उसमें पूरा एनडीए परिवार एकजुट होकर जो हमला होगा सरकार के ऊपर हम उसका डट के मुकाबला करेंगे। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और योजनाओं को लेकर उन पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री जनता के नहीं बल्कि भ्रष्ट लोगों के चौकीदार हैं। ये चौकीदार अगेंस्ट करप्शन, आपको मालूम होगा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ चौकीदार रहूंगा। He has become the चौकीदार of the corrupt. शिवसेना नेता और मुंबई की मेयर स्नेहल आंबेकर ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा वार किया। आंबेकर ने मोदी की तुलना हिटलर से कर डाली। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को बिहार के दौरे पर जाएंगे। उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के मौके पर आपका फिर से बिहार में स्वागत है। मुजफ्फरपुर की रैली में घोषणा करेंगे, हम बढ़िया से उसका इंतजार कर रहे हैं कि सचमुच ही पैकेज देंगे कि पहले का जितना काम हुआ पड़ा उसी का पैकेजिंग कर देंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब Z+ सुरक्षा घेरे में रहेंगे। मतलब ये है कि अब उनकी सुरक्षा में 40 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कल इसका आदेश जारी कर दिया। मांझी को पहले बिहार पुलिस से Z+ सुरक्षा मिली थी जिसे बाद में हटा दिया गया था। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद मांझी ने अपनी जान का खतरा बताया था। दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनाम दिल्ली पुलिस की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मीनाक्षी की हत्या और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर बस्सी ने केजरीवाल से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक चली मुलाकात पर अंदर की खबर ये है कि बस्सी ने कोई भी सूचना देने से उन्हें इनकार कर दिया। दोनों में गर्मा गर्म बहस भी हुई। वैसे बस्सी ने मुलाकात को बेहद संतुलित बताया। बहुत ही हमारी बात एक आत्मीय ढंग से और बहुत ही कॉर्डियल एनवायरनमेंट में बातचीत हुई है और मुझे उनका व्यू पॉइंट समझने में सहायता मिली है।
कि पुलिस अगर दिल्ली के अंदर है वो दिल्ली की जनता की सुरक्षा के लिए और कोई भी इंसान पूछ सकता है, और मुख्यमंत्री का तो ये बिल्कुल अधिकार बनता है और ड्यूटी भी बनती है कि वो उनसे पूछे कि क्या कार्रवाई की जा रही है, जनता की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, सर आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली पुलिस पे दिल्ली सरकार का किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि दिल्ली पुलिस को उनके हवाले किया जाए। उन्होंने अपनी आवाज में एक ऑडियो क्लिप जारी कर बढ़ते क्राइम का हवाला देते हुए ये अपील जारी की है। और या फिर दिल्ली पुलिस का कंट्रोल आप हमें दे दीजिए, जनता के साथ मिलके हम दिल्ली पुलिस की व्यवस्था को ठीक करेंगे। अमेठी कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वारंट जारी किया है। मामला 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। अमेठी में प्रचार के दौरान केजरीवाल ने कांग्रेस और भाजपा पर विवादित बयान दिया था। अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त तय की गई है। मुंबई सीरियल धमाकों के दोषी याकूब मेमन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। मौत की सजा से राहत पाने के लिए मेमन की यह आखिरी उम्मीद है। आज दोपहर में कोर्ट क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू, जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस अनिल दवे याचिका पर सुनवाई करेंगे। अगर अदालत याचिका को खारिज करती है तो 30 जुलाई को मेमन को फांसी दे दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से हो रहे सीज फायर उल्लंघन के पीछे गहरी साजिश का खुलासा हुआ है। खबर है कि लश्कर के 100 से ज्यादा आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में हैं। खुफिया एजेंसियों के इस खुलासे के बाद सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। सेना और बीएसएफ ने एक खास योजना तैयार की है। 3 स्तरीय सुरक्षा ग्रिड को पुख्ता बनाया जा रहा है। दिल्ली के ओखला फेज 1 इंडस्ट्रियल एरिया में बीती रात एलजे के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया। इसकी शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। भीषण आग से कंपनी का करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की 30 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंचकुला में स्थायी नौकरी की मांग कर रहे अस्थायी कंप्यूटर शिक्षकों पर पुलिस ने जमकर लाठी भांजी। वाटर कैनन से पानी बरसाया, इसके बावजूद सैकड़ों शिक्षक सड़क पर ही धरने पर बैठे रहे। कानपुर कचहरी में कल कुछ महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल पुलिस ने एक युवक को कचहरी से उठा लिया, इसी से महिलाएं नाराज थीं। उन्होंने कचहरी के मेन गेट पर ताला जड़कर हंगामा कर दिया। उन्हें हटाने के लिए पुलिस वालों को मशक्कत करनी पड़ी। कई जजों को इस संकट का सामना करना पड़ा। सिरोही में रिहायशी इलाके में एक चीता के घुसने से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि घर में मौजूद पशुवाड़े में चीता उस वक्त घुसा जब परिवार वाले रात में भोजन कर रहे थे। पूरी रात वो घर के आसपास मौजूद रहा। खबर मिलने के बाद वन विभाग के कर्मचारी सुबह मौके पर पहुंचे और उसे बेहोश कर धर दबोचा। दिल्ली के सीरियल रेपिस्ट किलर रविंद्र से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक उसने पुलिस के सामने कम से कम 30 बच्चों से रेप और हत्या की बात कबूल की है। इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने यूपी के बाद हरियाणा तक जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब पुलिस उसका ब्रेन मैपिंग करा सकती है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक कुत्ते को भौंकने से रोकने पर हत्या कर दी गई। आरोप 2 लड़कों पर है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी पीड़ित की पिटाई करते रहे और भीड़ तमाशा देखती रही। एक दिन बाद जख्मी शख्स की मौत हो गई। पुलिस मुकदमा दर्ज कर दोनों लड़कों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के उत्तम नगर में अज्ञात लुटेरों ने घर में घुसकर एक 36 साल की महिला की हत्या कर दी और लूटपाट के बाद फरार हो गए। उस वक्त घर में मौजूद 3 साल के बच्चे के सामने ये सब कुछ हुआ। अज्ञात लुटेरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। मुंबई की विरार में रहने वाली 15 साल की नाबालिग पर चाकू से हमला हुआ। बताया जाता है कि आरोपी कई दिनों से उससे छेड़खानी कर रहा था। एक बार उसके दोस्त ने आरोपी की पिटाई भी की थी, इसी वजह से उसने लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। आगरा के मलपुरा में एक महिला की हत्या के बाद उसे जला दिया गया। ये घटना चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई। आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले महिला से बस सलूकी भी हुई होगी। अब तक हत्या और कातिलों की जानकारी नहीं लग पाई है। यूपी के शाहजहांपुर में सभासद के भाई ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी।
युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक झगड़े को रोकने की कोशिश की थी। पुलिस ने सभासद समेत 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बुलंदशहर में कल पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने रोके जाने पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। गोलीबारी की आवाज सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस के साथ मिलकर उन्हें धर दबोचा। सहारनपुर पुलिस ने एक पूर्व पादरी को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। करीब 1 साल पहले बलात्कार की पीड़ित ने रुड़की थाने में पादरी पर केस दर्ज कराया था। यह मुकदमा सहारनपुर ट्रांसफर हो गया था। तब से पुलिस उस पादरी को तलाश रही थी। उज्जैन में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सोमवार की शाम तक करीब 30 इंच बारिश हुई है। शिप्रा और गंभीर का जलस्तर बढ़ा हुआ है। किसानों की फसलें पूरी तरह चौपट हो गई हैं। शहर में 13 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए आज 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। यूपी के लखीमपुर खीरी में कई गाँव के लोग अपने बनाए घर को खुद ही तोड़ने को मजबूर हैं। ईसानगर ब्लॉक में भदईपुरवा गांव के लगभग 72 घर नदी में समा चुके हैं। लोग बेघर हो चुके हैं। जिनके पक्के मकान नदी में समा गए उन्हें प्रशासन ने 95,000 और जिनके छप्पर वाले घर बह गए उन्हें 4100 रुपए के चेक सौंपे। सोमवार को इस दौरान कई अधिकारियों को लापरवाही पर डीएम किंजल सिंह ने जमकर फटकार भी लगाई। 70 नहीं 700 लेकर आइए, जरूरत है तो बांटिए। जब मैंने नहीं रोका है तो आप कैसे रोक रहे हैं? एक परिवार को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के सीहोर में मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ में 3 परिवार के 12 लोग बह गए। कल देर शाम तक 8 शवों को ही निकाला जा सका। एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में मदद कर रही है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अधिकारियों से बात की। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया है। हिमाचल प्रदेश में भी आसमान से आफत बरस रही है। चंबा में सोमवार को बादल फटा, जिस वजह से बड़ी तबाही देखने को मिली। चंबा तीसा मुख्य सड़क मार्ग सहित ज्यादातर सड़कें बंद हो गईं। अब कई घरों पर खतरा मंडराने लगा है। नदी नालों में उफान आ गया है। इलाके के लोग पलायन कर रहे हैं। कोलकाता में भी सोमवार को बारिश मुसीबत बनकर आई। पूरे दिन यहाँ बारिश होती रही। शहर के कई इलाकों में जल भराव की वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी पूरे दिन बारिश होगी। देश के कई हिस्सों में बारिश से संकट गहरा गया है, तो यही बारिश बुंदेलखंड के लिए वरदान बन गई है। इलाके में रुक रुक कर हो रही बारिश से किसानों के साथ साथ वैज्ञानिक भी खुश हैं। दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर दिखा। दिल्ली के विवेक विहार में तेज रफ्तार कार ने 2 स्कूटी पर सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस फरार कार चालक की तलाश में जुटी है। आगरा में कथित घर वापसी को लेकर चर्चाओं में रहे बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक अज्जू चौहान ने लव जिहाद के खिलाफ बेटी बचाओ बहुलाओ अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने अभियान चलाकर स्कूली छात्राओं को लव जिहाद के बारे में जानकारी दी और लव जिहाद से जुड़ी जानकारी के पैम्फलेट बांटे। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में भीड़ ने एक पंचायत ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। दफ्तर में रखी कुर्सियां तोड़ी, बाइक तोड़ी, हंगामा और पथराव किया। लोग इलाके की खस्ताहाल सड़क की मरम्मत नहीं होने से नाराज थे। उग्र हंगामे को देखते हुए वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। जींद में एक फाइनेंसर ने दलित परिवार की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसमें दलित परिवार के 3 लोग घायल हो गए। मामला पैसों के लेन देन का है। आरोप है कि 5,000 के कर्ज के लिए फाइनेंसर अब तक 1,28,000 रुपए ले चुका है। वो अभी भी 1,00,000 और मांग रहा है। पीड़ित परिवार ने आरोपी फाइनेंसर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। सोने की कीमतों में भारी कमी आई है। भारतीय बाजार में इसका भाव प्रति 10 ग्राम 25,000 रुपए से भी नीचे चला गया है। सोमवार को भाव में करीब 2% की गिरावट देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 5 साल के न्यूनतम स्तर पर है। सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान इसमें 4% तक गिरावट आई।
सोमवार को चीन के शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पर कुछ ही मिनटों में सोने की भारी बिकवाली देखी गई। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक ने सोशल साइट पर अपने डांस का एक वीडियो अपलोड किया है। वीडियो में दोनों पाकिस्तानी क्रिकेटरों के साथ श्रीलंका टीम पर जीत का जश्न मनाते दिख रहे हैं। सानिया ने ट्विटर पर एक डब स्मैश वीडियो पोस्ट किया है। घरेलू क्रिकेट में बीसीसीआई ने बड़े बदलाव का फैसला किया है। अब दिलीप ट्रॉफी नहीं होगी, वहीं देवधर ट्रॉफी के फॉर्मेट में भी बदलाव का फैसला किया गया है। बीसीसीआई अनिल कुंबले की अगुवाई में बनी तकनीकी कमेटी की सिफारिशें लागू करेगी। ब्रिटिश कॉमेडियन सिमोन ब्रॉडकिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फीफा अध्यक्ष सेप ब्लॉटर की फजीहत की। सिमोन ब्लॉटर के पास पहुंचे और उनके ऊपर पेपर नोट उड़ाए। इस बवाल के करीब 10 मिनट बाद दोबारा ब्लॉटर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। वहीं खबर है कि फीफा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव 26 फरवरी 2016 को करेगा।